हेलो, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे इजीली अवेलेबल, हर एक घर में अवेलेबल, सबसे सस्ता सप्लीमेंट नमक, एंड व्हाई सोल्ट इज द बेस्ट सप्लीमेंट फॉर इंप्रूविंग एथलेटिक परफॉर्मेंस। लुक, व्हेन वी गो आउट, जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं या फिर हमारा सनसेट एक्सपोजर होता है या फिर हम कोई इंटेंस वर्कआउट कर रहे हैं या फिर कोई एरोबिक एक्टिविटी है, एनरोबिक एक्टिविटी है, या फिर स्पेशली ऑन समर और ह्यूमिडिटी में वी स्वेट, and that's how we cool off. Basically, body का एक certain temperature है, which is 37 degree. अगर 37 degree से हमारा core temperature drop जाता है, वैसे तो और भी multiple reason हो सकते हैं हमारे shiver करने के और कांपने के, but one of those reason है कि हमारा core temperature 37 degree से drop गया है, तो वहाँ पे हम कांपना start कर देते हैं. तो वहाँ पे basically हमारे muscle start contracting और relax होना start हो जाते हैं, तो ताकि हमारा body का temperature maintain रह सके. This is totally involuntary. Likewise, when we feel heat और हमारा core temperature 37 degree से raise जाता है, अप जाता है, तो we start sweating, हमें वहाँ पसीना आना start हो जाता है, and हमारी body इस तरह में cool off करती है. तो basically it regulate our body temperature and it reduce our heart rate, so we can train longer, faster and harder. And when we sweat, जब भी हमें पसीना आता है, we are not losing just water, we are losing sodium, potassium, magnesium, zinc, iron, selenium, copper and many other minerals. So would be better अगर आप उसको रिप्लेस कर लेंगे, इंजेस्ट कर लेंगे अपनी किसी एक्टिविटी से पहले या फिर गेम से पहले, या फिर आपके कोई गेम है या फिर कोई एक्सरसाइज करने वाले हैं, या उससे पहले आप उसको इंजेस्ट कर लेंगे, इनटेक कर लेंगे उसका, तो यू विल गेट ऑल द इनहेंस बेनिफिट. इट डायलेट्स और आरटी डाइट, मतलब हमारी आर्टरीज को वाइटनिंग कर देता है, तो वी विल गेट बेटर न्यूट्रिएंट सप्लाई. वन ऑफ द बेस्ट वैसोडायलेटर है. इट इंक्रीज अवर ब्लड सर्कुलेशन एंड डिक्रीज मसल क्रैम्पिंग. मतलब सोल्ट इज वेरी एसेंशियल फॉर न्यूरल फंक्शन फायरिंग के लिए और मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए. एंड इट्स फनी हाउ एथलीट लुकिंग फॉर द सेकंड बेस्ट व्हिच इज अर्जेनाइन एंड व्हाई नॉट सोल्ट. और अब बात कर लेते हैं इसकी डोसेज की, हाउ मच डू वी नीड, एंड इसकी आइडियल टाइम क्या है लेने का और हमें कब कब कितना कितना लेना चाहिए. स्टडी हम सजेस्ट करती है 3 to 5 gram फॉर इन अ डे फॉर आवर ऑप्टिमल हेल्थ. एंड अगर आप कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई इंटेंस वर्कआउट कर रहे हैं या कोई फिजिकल एक्शन है आपका 45 मिनट से लेकर 60 मिनट तक, आप उसे पर ग्राम पर घंटे की एक्सरसाइज के हिसाब से उसको एडिशन ऐड कर सकते हैं. और अगर आपका कैफीन का इंटेक, कॉफी का इंटेक बहुत ज्यादा है, तो वहां पे आप उसको अलग से ऐड कर सकते हैं सोडियम को 1 to 2 gram से लेकर 1 से, क्योंकि 2 cup of कॉफी डिप्लीट एटलीस्ट 600 mg ऑफ सोडियम. तो आप उसको आपको उसको इस तरह लेना है आपके गेम से या फिर अपनी एक्टिविटी से पहले, आपके अपने जिम से पहले, वर्कआउट से पहले, या आपको गेम खेलते हैं उससे पहले 90 मिनट प्रायर आपको 700 to 800 ml वाटर के अंदर 1 to 2 gram सोडियम ऐड करना है. एंड आप उसको एकदम नहीं पीना है, ट्राई टू सिप ग्रेजुअली, मतलब उसको सिप करके पीना है. एटलीस्ट 45-60 मिनट लें उसको पीने में, आराम से ग्रेजुअली पिए उसको. और देखा गया है बहुत केस में कि बहुत लोगों को फ्रिक्वेंटली यूरिनेशन आता है नाइट के अंदर, मतलब बहुत फ्रिक्वेंटली, कुछ लोगों को 2 times, 3 times, 4 times, एंड स्पेशली ऑन डायबिटिक पेशेंट्स. सो उसमें दे ट्राई टू रिप्लेनिश देयर सेल्फ, दे ट्राई टू हाइड्रेट देयर सेल्फ प्लेन वाटर. प्लेन वाटर इज नॉट द आइडियल टू हाइड्रेट योर सेल्फ, क्योंकि जो आपने पूरी रात फ्लूइड और सोल्ट लूज किया है उससे आपको प्लेन वाटर से आप उसको हाइड्रेट नहीं कर सकते, क्योंकि और बॉडी नीड इलेक्ट्रोलाइट्स, क्योंकि सोडियम हमारे एक्स्ट्रासेलुलर सेल को हाइड्रेट करने में हेल्प करता है एंड पोटेशियम एंड मैग्नीशियम हमारे एक्स्ट्रासेलुलर इंट्रासेलुलर सेल को हाइड्रेट करने में हेल्प करता है. तो वी नीड इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम. तो आप इंस्टेड ऑफ प्लेन वाटर आप सुबह उसको इल्कलाइन वाटर पीजिए एंड यू विल गेट ऑल द बेनिफिट्स. आप योर हेडेक गो अवे, यू फील एनर्जेटिक, योर मूड इज फार फार बेटर, अवर किडनी आर वेरी एफिशिएंट. अगर उसको सोल्ट हमारा ब्लड के अंदर ज्यादा होता है तो उसको एक्सक्रीट करने में अवर किडनी आर वेरी एफिशिएंट है, उसको एक्सक्रीट कर देती है, थ्रू आउट कर देती है थ्रू फेसिस. सो डरिए मत, सोल्ट खाइए और परफॉर्मेंस बूस्ट करिए. एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि अगर आप इसको अप्लाई करते हो आपकी परफॉर्मेंस बढ़ी या नहीं बढ़ी. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. नहीं, सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए.